हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर टू फ्रॉम एक्सरसाइज 2.3 इज 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। सो की करेंगे सी जो वेरिएबल है उसमें सी लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कर देंगे जो राइट हैंड साइड पे है। सो 5t ता सी लेफ्ट हैंड साइड पे रह देंगे और 3t नो सी ट्रांसपोज करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड ते माइनस 3 नो सी ले जावांगे राइट हैंड साइड। जो माइनस 3 राइट हैंड साइड पर ट्रांसपोज करना है सानू पता है कि साइन चेंज हो जाना है तो इन प्लस 3 ऐसे लिख देंगे। सो 5t माइनस 3t इज 2t इज इक्वल टू माइनस 2 बिकॉज माइनस 5 प्लस 3 इज माइनस 2 एंड t इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2 ये आ जाएगा माइनस 1। सो t इज इक्वल टू माइनस 1 राइट। वेरिफिकेशन कर लेने हैं। वेरीफिकेशन से की करते हैं जो असी वेरिएबल का वैल्यू पता की है मान पता किया है उसका उसमें असी दिती गई इक्वेशन दे लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड बारी बारी उसनों पा के देख लेना है। मतलब विल पुट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज द राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड साढ़े को है तो इतने अस लिख लें राइट हैंड साइड 5t माइनस 3 एंड दिस इज 3t माइनस 5। ओके सो t की वैल्यू कितनी है जो असी फाइंड आउट की है माइनस 1 हूँ असी पुट कर देनी है मतलब भर देनी है 5t जगह तक की लिखेंगे माइनस 1 माइनस 3। सो 5 इंटू माइनस 1 इज माइनस 5 माइनस 3 इस तरीके 3 इंटू टी की वैल्यू की है टी की वैल्यू है असी जो पता की माइनस 1। सो माइनस 1 इतने असी भर देनी है माइनस 5। सो 3 इंटू माइनस 1 इज माइनस 3 माइनस 5। सो माइनस 5 माइनस 3 इज माइनस 8 एंड हेयर माइनस 3 माइनस 5 इज माइनस 8। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो रिजल्ट वेरीफाइड result is verified। Thank you।